भारत में तापकार मवाद के साथ गैंग की गिरफ्तारी पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द अमल सामने आ गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत में जौहरी और दीगर तापकार मवाद की फरोख पर तश्वीश है। गैर कानूनी तौर पर इंतहाई तापकार और जहरीला मादा एक गैंग के कब्जे में पाया गया है। इस पर बात करते हैं नुमाइंदा खसूसी आजियो शौकत पराचा हमारे साथ मौजूद है। शौकत पराचा, यकीनी तौर पर यह एक तश्वीश की बात है, इस पर पाकिस्तान की वजारत खारजा अपना दफ्तर खारजा अपना रद्द अमल दे चुका है, क्या कहना है इस पर मजीद दफ्तर खारजा की जानिब से? जी, दफ्तर खारजा से बाकायदा एक रद्द अमल जारी हुआ है कि भारत में एक बार फिर जोरी मटीरियल के साथ वहाँ पर एक गैंग पकड़ा गया है। तो दफ्तर खारजा की तर्जमान मुमताज आरा बलोच का कहना है कि पाकिस्तान को इस तरह से गैंग्स के हाथ में ताबकार मादे का आना पाकिस्तान के लिए बाएश तशवीश है। तर्जमान दफ्तर खारजा का कहना है कि 2021 में भी ऐसे वाकयात सामने आए थे और अब जो पकड़ा गया है वो उसकी मालियत 100 मिलियन डॉलर 100 मिलियन डॉलर के करीब है। दफ्तर खारजा ने ये सवाल उठाया है कि अगर ये ताबकार मादे और जोरी मवाद अगर इस तरह प्राइवेट गैंग्स के हाथ में आ रहे हैं तो फिर भारत की तरफ से न्यू दिल्ली के जो सिक्योरिटी के इकदाम हैं खसूसी तौर पर इस डुअल पर्पज यूज के मटेरियल्स के, तो फिर उन सिक्योरिटी के इकदाम पर या सिक्योरिटी जो उन्होंने दी हुई है इन मटेरियल्स को, उस पर सीरियसली सवालात उठते हैं। शौकत पराचा, यूरेनियम या इसी तरह का कोई भी ताबकार मादा जब किसी गैंग के हाथ लगता है आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ऑब्वियसली वो एक गैंग है, वो उसको किस तौर से यूज़ करेगा। ऐसे में जब भारत का अपना स्टांस साउथ एशियन दीगर जो मुल्क हैं उनके लिए बड़ा सख्त रहता है और गाहे बगाहे उनकी जानिब से इसको रिपोर्ट भी किया जाता है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो प्रोपेगेंडा रहा है भारत का ख़ास तौर पर इसी को लेकर कि पाकिस्तान में किस तरह से न्यूक्लियर जो है वो सेफ नहीं है, और अब ये भारत से खुद उनके गैंग के हाथ लग जाना इस तरह का मादा। ये भारत से ज्यादा जो मगरबी दुनिया में एक रिपोर्ट्स आया करती थी उनके मीडिया में कि जी पाकिस्तान के जोरी हथियार जो हैं वो इंतहा पसंदों के हाथ लग सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने डॉक्टर कदीर खान के वाकया के बाद जिस तरह से कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी कायम की और जो मैयर लिए वो अब IAEA से भी सर्टिफाइड हैं और IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का वफ्द भी तकरीबन हर साल दूसरे साल पाकिस्तान आता है और उनको पाकिस्तान की मुख्तलिफ इस तरह की इंस्टॉलेशन का दौरा भी कराया जाता है। तो पाकिस्तान के जो रोबस्ट मैयर हैं उनकी तो आलमी बरादरी ने तारीफ की है और अरसा हो गया पाकिस्तान के हवाले से कोई ऐसी नेगेटिव रिपोर्ट नहीं आई। अलबत्ता भारत के अंदर से इस तरह का ऐसे वाकयात हो जाना, इसी पर तो दफ्तर खारजा का कहना है कि इसका मतलब है कि भारत के अंदर जोरी मवाद की एक ब्लैक मार्केट मौजूद है जो पूरी दुनिया के लिए और खसूसन इस खित्ते के लिए बायस तशवीश है। बहुत शुक्रिया शौकत पराचा, इस पर आपने हमें तफसील बताया।